हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक शख्स से जो कि नमाज पढ़ रहा है, पर इसके तुरंत बाद ही वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। हमें पता चलता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप मुजाहिदीन का शख्स है जो कि अक्सर कभी भी बमबारी करने से पहले नमाज पढ़ते हैं और फिर बमबारी करने लग जाते हैं। ये कहानी यूएस के फेमस कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन की सच्ची कहानी है। चार्ली की कहानी को फनी अंदाज में दिखाया गया है, इससे ये कहानी काफी कॉमिक हो जाती है। समय चल रहा है 1980 का। चार्ली हालांकि पॉलिटिशियन है, पर वो कोई ऐसा वैसा पॉलिटिशियन नहीं है। उसके लाइफ की प्रायोरिटी पार्टी करना सबसे आगे है। पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स तो होती रहेगी, पर लाइफ में पार्टी तो होती ही रहनी चाहिए। हाँ, पार्टी के बीच में अगर टाइम मिल जाए तो पॉलिटिक्स भी कर लेना चाहिए। एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसे चलाने का जिम्मा चार्ली का है, और दूसरी पार्टी है ये पार्टी। इस पार्टी में शराब, लड़कियाँ, ये सब अवेलेबल हैं। चार्ली को ये पार्टी ज़्यादा पसंद है। इसी फिलॉसफी को फॉलो करने वाले इंडिया में भी एक पॉलिटिशियन हैं। बहरहाल, चार्ली पार्टी के दौरान ही अपने रूम में एक लड़की के साथ संभोग करते हुए दिखता है। उसे लड़कियों के साथ और दोस्तों के साथ नहाना पसंद है। लाइफ बड़े मजे से कट रही है, पर एक दिन तो गड़बड़ हो गई। चार्ली पर इल्ज़ाम लगा है कि वो कोकेन का इस्तेमाल करता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है रूडी। ये इन्वेस्टिगेशन तो हुई, पर रूडी ने अपने फाइनल रिपोर्ट में चार्ली के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाए। चार्ली की आजकल गर्लफ्रेंड है जोआन। जोआन काफ़ी खूबसूरत है। पहले वो चार्ली की दोस्त हुआ करती थी, बाद में प्यार हो गया और अब दोनों साथ में रहते हैं। चार्ली जोआन से आज संभोग की इच्छा जाहिर करता है। जोआन कहती है कि चार्ली को ज़रा अफगान के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। चार्ली कहता है कि अफगानी लोगों के लिए भला वो क्या कर सकता है, उसे तो संभोग करने के अलावा और पार्टी करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। पर जोआन उसे कन्विंस करती है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। दरअसल आजकल अफगान और सोवियत की वॉर चल रही है। अफगान की तरफ से मुजाहिदीन ग्रुप सोवियत यूनियन से लड़ रहा है। इतिहास में लड़ाई गोरिल्ला वॉर के नाम से भी जानी जाती है। अमेरिका का काम है इस वॉर में पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीन को सपोर्ट करना, ताकि सोवियत यूनियन की हार हो जाए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक से चार्ली की मुलाकात होती है। पाक प्रेसिडेंट कहता है कि उसे अमेरिका से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसे और पैसों की ज़रूरत है मुजाहिदीन को सप्लाई करने के लिए। चार्ली इस मामले में कंफ्यूज है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की यह डिज़ायर है कि चार्ली पाकिस्तान आए, यहाँ अफगानियों के रिफ्यूजी कैंप्स को विजिट करे। चार्ली इस बारे में अपनी गर्लफ्रेंड जोआन से बात करता है। जोआन भी चार्ली के साथ पाकिस्तान जाना चाहती है। चार्ली का असिस्टेंट भी कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजिप्ट और ईरान, ये सभी कंट्री अमेरिका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ क्या होता है हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। इन सब से चार्ली पाकिस्तान जाने के लिए रेडी हो गया है। चार्ली यहाँ आकर देखता है कि लोगों की लाइफ कितनी मिजरेबल है। अफगानी रिफ्यूजीज के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये लोग मिट्टी खाने के लिए मजबूर हैं। सोवियत वालों ने अफगानिस्तान के कुछ हिस्से ऑक्यूपाई कर लिए हैं। चार्ली ये सब देखकर काफ़ी इमोशनल होता है। वो वापस अमेरिका आकर अब मुजाहिदीन की हेल्प करना चाहता है। इस तरह मुजाहिदीन के लिए फंडिंग बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही चार्ली की दोस्ती हुई है CIA के ऑपरेटिव गस्ट एवरको से। इसके साथ ही चार्ली अफगानी ग्रुप से मिलता है। ये सभी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह सोवियत के अटैक्स का सामना किया जाए। इस स्ट्रेटजी के तहत सोवियत के हेलीकॉप्टर्स MI-24 को एक एक करके मार गिराया जाता है। इन्हें अमेरिका की तरफ से गोरिल्ला और साथ में मिसाइल लॉन्चर्स दिए जाते हैं। दोनों तरफ से घमासान लड़ाई होती है। सोवियत वालों के फाइटिंग व्हीकल्स बुरी तरह मार गिराए गए। इस लड़ाई में सोवियत के अनेकों हेलीकॉप्टर्स मुजाहिदीन के अटैक्स का सामना नहीं कर पाए। सोवियत को भारी नुकसान हुआ। इस लड़ाई में चार्ली इसराइल और इजिप्ट की भी हेल्प लेता है। इस लड़ाई में जियाउल हक का भी सपोर्ट चार्ली को मिल रहा है। इस तरह सोवियत को हार हर तरफ से झेलनी पड़ी। अमेरिका बिना लड़े ही इस लड़ाई में जीत गया। आज भी यूएस की ये पॉलिसी रेगन डॉक्ट्रिन के नाम से जानी जाती है। इस पॉलिसी से यूएस न सिर्फ पाकिस्तान से और मुजाहिदीन से, बल्कि मिडल ईस्ट कंट्रीज से भी हेल्प ले पाया।
इस वॉर के बाद गस चार्ली को एडवाइस करता है कि इन्हें अफगानी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अफगानी बच्चों को एडुकेशन देनी चाहिए, वरना वो भी बड़े होकर एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे। वो कहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान एक्टिव है, ये लोग बच्चों को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर उन्हें जिहादी बना सकते हैं। चार्ली इसके लिए फंड रेज करवाना चाहता है, पर US की गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई हेल्प नहीं मिल रही। फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है कि चार्ली ने जिस पॉलिसी को अपनाया और सोवियत को हराया, उसकी वजह से चार्ली को सम्मानित किया जा रहा है, पर उसके दूसरे एडवाइजर्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा। अवार्ड लेते समय चार्ली जुआना को देखता है, जो कि उसके लिए किस फेंकती है। इन सब के बाद अब चार्ली काफ़ी इमोशनल है कि वो अफगान के बारे में कुछ नहीं कर पा रहा, बच्चों के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा। इसी नोट पर फिल्म समाप्त हो जाती है।